सवेरे उठकर आप सबसे पहले क्या करते हैं? अपना फोन देखते हैं कि किसका मैसेज आया है, है ना? लेकिन इसकी जगह आपको इस आसन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। हेलो दोस्तों, फिटफिट देख रहे हैं आप और आज हम बात करने वाले हैं ताड़ासन के बारे में। ताड़ासन को वैसे तो दिन के किसी भी समय किया जा सकता है, नॉट आफ्टर द मील ऑफ कोर्स, लेकिन अगर आप इसे सवेरे करते हैं तो आपको इसके ढेर सारे फायदे मिलेंगे। ये आसन आपके बॉडी को बेहतरीन तरीके से स्ट्रेच करता है। जब रात में आप सोते हैं तो आपकी बॉडी स्टिफ हो जाती है, अकड़ जाती है। अगर आप इस आसन को सुबह करेंगे तो आपके ऑर्गन्स, आपके बॉडी पार्ट्स फिर से काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। ताड़ासन करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं। आपके पैरों में हिप्स जितना गैप रहेगा। इसके बाद उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर इनहेल करते हुए ऊपर की ओर लेकर जाएं। एड़ियां उठाएं और पंजों पर खड़े रहते हुए बैलेंस बनाने की कोशिश करें। इस दौरान पैरों से सिर तक के बॉडी पार्ट्स को जितना हो सके ऊपर की ओर स्ट्रेच करने की कोशिश करें। इस पोजीशन में अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रुकें, फिर हाथों और एड़ियों को नीचे लेकर आते हुए एक्सहेल करें। ध्यान रखें कि नीचे आते हुए हाथों को ढीला ना छोड़ें, उन्हें तान कर रखें। अब इसे दूसरी बार रिपीट करेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो ऊपर जाने के बाद तुरंत वापस लौट सकते हैं, लेकिन वापस आते हुए ध्यान रखें कि हाथों को ढीला ना छोड़ें, उन्हें तान कर रखें। तीसरी बार में हम एड़ियां नहीं उठाएंगे, सिर्फ हाथों को उठाएंगे और बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे। इस तरह ताड़ासन का एक राउंड पूरा हो जाएगा। शुरुआत में आपको बैलेंस बनाने में दिक्कत आ सकती है, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इसे बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इस आसन को 4 से 5 बार रिपीट किया जा सकता है। वैसे तो आप इस आसन को दिन के किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सुबह उठने के बाद इसे करेंगे तो आपको इसके ढेर सारे फायदे मिलेंगे। ये आसन शरीर में महसूस होने वाले भारीपन को दूर करता है। इसी के साथ ये शरीर को फिट बनाए रखने में मदद करता है। स्पाइन को सीधा रखने में भी ये आसन आपकी मदद करता है। ताड़ासन करने से आपकी पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल बनती है। ये ऑर्गन्स के साथ साथ दूसरे बॉडी पार्ट्स की भी मसाज करता है और उन्हें बेहतरीन तरीके से काम करने में मदद करता है। इस आसन को करने से डाइजेशन की समस्या भी दूर होती है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों की हाइट को लेकर परेशान रहते हैं, उन्हें भी अपने बच्चों को इस आसन को करने की सलाह देनी चाहिए। ये आसन बॉडी में ब्लड फ्लो को बेहतर बनाता है और आपको ढेर सारी बीमारियों से बचाता है। इस आसन को करते समय कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। अगर आपके एंकल यानी टखने में कोई मेजर इंजरी है या फिर बहुत तेज दर्द है तो इस आसन की प्रैक्टिस ना करें। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो इसे करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। इस आसन को खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी ना करें। कम से कम 2 से 3 घंटे बीत जाने दीजिए और उसके बाद ही इसकी प्रैक्टिस करें।